स्टूडेंट्स सब मौज में है आज शेड्यूल को नाइन थर्टी का कर दिया था ना चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जो बायलैंगल क्विज सीरीज चल रही थी उसका वन टू नाइन है ना एक सौ सेशन इसे पहले एक सौ अट्ठाईस सेशन हो चुके हैं आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट लाइक और शेयर तो कर ही दीजिए एएसआरबी एस आर बी नेट एग्रोनॉमी सॉयल साइंस और हॉर्टिकल्चर में पोमोलॉजी और वेजिटेबल साइंस इनके जो ऑनलाइन बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं उसके अलावा पंजाब एडियो बिहार बी और ए हरियाणा इनके भी बैचेज है वो नए चल रहे हैं तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इन सभी की एक प्ले लिस्ट बनी हुई है नीचे आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो शायद थोड़ी पहले की बनी हुई है उसमें सारे के सारे दिए हुए हैं एफ के बैच स्टार्ट हो चुके हैं मनोज गुप्ता एफ के जो बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं और ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये दिया गया नंबर है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं चलिए करें स्टार्ट आज की क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका रिकरेंट सिलेक्शन टाइम कॉइन बाय आवर्ती चेन शब्द किसके द्वारा दिया गया था वैसे आपको पता हो तो रिकरेंट सिलेक्शन है वो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में काम में लिया जाता है रिकरेंट सिलेक्शन है वो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप का ब्रीडिंग मैथड है यूपी के लिए थ्योरी क्लास के लिए ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन एग्रीकल्चर पे है ना यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा चलिए रिकरेंट सिलेक्शन है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था रिकरेंट शब्द की बात चल रही है यहां पे रिकरेंट शब्द किसने दिया था रिकरेंट सिलेक्शन शब्द है वो किसने दिया था देखिए रिकरेंट सिलेक्शन है मैंने बताया कि जो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है उनके अंदर अपने क्या है इसको एज ए ब्रीडिंग मेथड काम में लेते हैं सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप के अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होता है रिकरेंट सिलेक्शन सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था रिकरेंट सिलेक्शन जो थ्योरी दी थी सबसे पहले वो हैज और गार्बर ने 1919 में दी थी

सिलेक्शन जो टर्म है शब्द है वो किसने दिया था या देखो रिकंट सिलेक्शन टर्म बाय यानी आवर्ती शब्द किसने दिया था 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 ये ये आपसे आपसे पूछा पूछा गया था, कि पूछा गया था कि कि टर्मी सिलेक्शन है वो किसने दिया था तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा मुझे लग रहा था कि अधिकांश स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आता होगा लेकिन आंसर सिर्फ दो तीन ही सही आए बाकी ऑलमोस्ट क्या है गलत आए हैं हेज और गार्बर ने रिकरेंट सिलेक्शन दिया था यानी प्रोसेस दी थी 1919 में और स्टोर जॉन्स ने कब दी थी 1920 में, है ना? लेकिन हुल ने 1945 में रिकरेंट टर्म दी थी शब्द है वो दिया था ध्यान रखिएगा बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है सी ऑप्शन है वो आपका राइट है सी ऑप्शन है वो आपका राइट है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के लिए चलें अगला क्वेश्चन है डोमिनेंस हाइपोथेसिस परपोज बाय डोमिनेंट परिकल्पना किसने दी थी बताइए डोमिनेंट परिकल्पना है वो किसने दी थी डोमिनेंट हाइपोथेसिस किसने दी थी डेवनो पार्ट ने 1908 में ब्रूस ने 1910 में केबल और पिलो ने 1910 में और सूल और इस्ट ने 1908 में बिल्कुल भी कैसो शर्मा पर्याप्त है बताइए जो डोमिनेंट हाइपोथीज है वो किसने दी थी यानी प्रभावी परिकल्पना किसने दी थी जब आप हेट्रोसिस ब्रीडिंग पढ़ते हैं तो वहां पर दो हाइपोथीज पढ़ते हैं एक डोमिनेंट हाइपोथीज होती है और दूसरी अवर डोमिनेंट हाइपोथीज होती है तो सबसे जो प्रचलित हाइपोथिस है वो डोमिनेंट हाइपोथीज है

दे चुके थे आपसे यह पूछ ले कि डोमिनेंट है, उसका फेवर किसने किसने किया था डेवनोपार्ट ने तो दी थी तो जाहिर सी बात है, किया पे काम किया है यानी जो प्रभावी परिकल्पना है हेट्रोसिस उस पर काम किया है लेकिन फिर भी डोमिनेंट हाइपोथीज का जो क्रेडिट जाएगा वो किसको जाएगा डेवनोपार्ट को जाएगा डेवनो पार्ट को क्रेडिट जाएगा ठीक है नेक्स्ट अपने बात करें सूल एंड ईस्ट जो है इन्होंने अवर डोमिनेंट हाइपोथीसिस दी थी कौन सी हाइपोथीसिस ये भी हाइट्रोसिस की हाइपोथीसिस है जो अवर डोमिनेंट हाइपोथीसिस है वो किसने दी थी सूल व ईस्ट ने दी थी सूल व ईस्ट ने दी थी 1908 में सर मैं आपके कदमों में गिर जाऊंगा राजस्थान आकर जब मेरा सिलेक्शन अरे निखिल प्रीत कोई इतना कुछ करने की जरूरत नहीं बस मेहनत करिए पढ़िए है ना खुद पे भरोसा रखिए वो ज्यादा बेहतरीन रहेगा देखिए सूल एंड इस्ते इन्होंने अवर डोमिनेंट हाइपोथेसिस दी थी इन तीनों ने क्या है वैसे तो चार हो गए ग्रुप तीन हो गए इन तीनों ने डोमिनेंट हाइपोथेसिस पे काम किया था तो डोमिनेंट हाइपोथेसिस दी किसने ये क्रेडिट डेवनोपार्ट को जाएगा 1908 में और इसी साल अवर डोमिनेंट हाइपोथेसिस दी थी सोल व ने 1908 के अंदर ही तो ए और डी वाला अच्छे से याद रख लेना बहुत सारे एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है ठीक है बिल्कुल हरियाणा एडीओ के सिलेबस में एनिमल हस्बेंड्री नहीं है और पंजाब वाले में भी नहीं आता है नेक्स्ट अगला फिर से एक ब्रीडिंग का क्वेश्चन है यहां पर Which one is wrong स्टेटमेंट कौन सा कथन गलत है ये सारी की सारी हाइब्रिड वेराइटी है सारी की सारी क्या है हाइब्रिड वेराइटी है और सारी की सारी हाइब्रिड भी कौन सी है इन क्रॉप्स की पहली हाइब्रिड है जिन क्रॉप्स की भी है उन क्रॉप्स की सारी की सारी क्या है फर्स्ट हाइब्रिड भी है देखिए गंगावन मेज की हाइब्रिड है इसका जो गंगा हाइब्रिड है वो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलिटी का यूज करके डेवलप की गई है स्टेटमेंट कह रहा है मैं नहीं कह रहा इनमें से एक गलत है कोई सा भी हो सकता है पहला है पहला स्टेटमेंट गंगावन वेराइटी है, वो साइटोप्लाज्मिक साइटाइटिटी का यूज करते हुए डेवलप की गई है और मैं बता देता हूं गंगावन किसकी वेराइटी फर्स्ट हाइब्रिड है सी एस एच वन जो है गंगावन कब डेवलप की थी दो चार दिन पहले ही बात की थी फटाफट बता दीजिए वन जो है ये ज्वार का फर्स्ट हाइब्रिड है ये भी कब डेवलप हुआ था ये भी बता दीजिए ये स्टेटमेंट कहता है ये भी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टिलिटी का यूज करते हुए डेवलप की गई है ICPH8 अरहर की वैरायटी है ICPH8 अरहर की पहली हाइब्रिड वैरायटी है एक दो दिन पहले ही हमने बात की थी कि ये इकरीसेट ने डेवलप की थी कौन से सन में डेवलप की और कौन से सन में रिलीज किए बताइए स्टेटमेंट कह रहा है कि यह साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेलिटी से डेवलप की गई है उसके बाद नेक्स्ट वेराइटी एच बी वन एच बी वन का मतलब क्या है हाइब्रिड बाजरा वन, ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप की गई है और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलिटी का यूज करते हुए डेवलप की गई है यह भी बताइए कौन से सन में डेवलप की गई है उसके बाद हम बात करें बी एस एच वन ये सूरजमुखी की पहली हाइब्रिड है इसका पूरा नाम आपको बताया हुआ है यह भी बता दीजिए बी एस एच वन जो है यह सूरजमुखी की पहली हाइब्रिड वेराइटी है जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलिटी का यूज करते हुए डेवलप की गई है चलिए देखो अब मैं बताता हूं यहां पे राइट आंसर क्या है आप तो इसका ईयर बताइए और पूरा नाम बताइए कब डेवलप किया है और इसका पूरा नाम क्या है गंगावन मक्का की पहली हाइब्रिड है जो 1961 में साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलिटी का यूज करते हुए डेवलप की गई है तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है दूसरा ज्वार की जो सी एस एच है, वन हैदराबाद से डेवलप की गई है और साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलिटी का यूज करते हुए डेवलप की गई है और उन्नीस में डेवलप की गई है ये भी मैचिंग बिल्कुल ठीक है आईसीपीएच आठ जो है कल परसों ही बताया था मैंने आपको आईसीपीएच आठ जो है वो उन्नीस में, में तो डेवलप की गई थी और उन्नीस में, में रिलीज की गई थी और जेनेटिक मेलिटी मेल जेनेटिक मेल स्टिलिटी का यूज करते हुए डेवलप की गई है न कि साइटोप्लाजमिक जेनेटिक मेलस्टिलिटी का जेनेटिक मेलस्टिलिटी जो हमें रोंग स्टेटमेंट ढूंढना था वो तो मिल गया जी ये रहा ये मिल गया है एच बी वन हाइब्रिड बाजरा बंद 1965 में पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप की गई है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलिटी को यूज करते हुए ये स्टेटमेंट भी ठीक है बी वन है ये सूरजमुखी की पहली हाइब्रिड है जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलिटी का यूज करते हुए डेवलप की गई है ये भी सही है रोंग स्टेटमेंट है वो तो है सी रोंग स्टेटमेंट है वो तो कौन सा है सी ऑप्शन है वो आपका राइट है लेकिन आप बताइए बी एस एच सनफ्लावर का पूरा नाम क्या होता है बी एस एच वन सनफ्लावर की फुल फॉर्म क्या होती है बेंगलोर सनफ्लावर हाइब्रिड नंबर वन लिख लो जिसको नहीं पता है बेंगलोर सनफ्लावर हाइब्रिड नंबर वन बोलते हैं इसको लिख लिया बेंगलोर सनफ्लावर हाइब्रिड नंबर वन बोलते हैं और कौन से सन में डेवलप की गई थी कौन से सन में डेवलप की गई थी बताओ भाई कौन से सन में डेवलप की गई थी डेवलप की गई थी 90 80 में 1980 में सन बेंगलोर सनफ्लावर हाइब्रिड नंबर वन साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलिटी का यूज करते हुए डेवलप की गई थी क्लियर है स्टूडेंट बड़े आगे अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका तो राइट आंसर सी ऑप्शन था नेक्स्ट है द भूदान ग्राम दान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय इज आल्सो नोन एज द ब्लडलेट ब्लडलेस रिवॉल्यूशन देखो कोई योजना है जो द्वारा शुरू की गई थी जिसका नाम भूदान ग्रामदान आंदोलन के नाम से जाना जाता और इसे रक्तहीन क्रांति के रूप में भी जाना जाता है तो बताइए भूदान ग्रामदान मोमेंट है वो किसने इनिशिएट किया था मतलब किसने प्रारंभ किया था जिसे ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है जिसे ब्लडलेस रिवल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है इसमें सबसे पहले 80 एकड़ एक जो सरकारी जमीन थी वो गांव के 80 भूमिहीन लोगों को यानी लैंडलेस छाप जो है उनको दी गई थी उसके बाद बहुत सारे जो जमींदार है ना और जो भी लैंडलॉर्ड थे उन्होंने भी अपनी जमीन है वो क्या है लैंडलेस लोग है उनको दी थी और ये जो भूदान ग्रामदान मोमेंट्स था ये उन्नीस में विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था विनोबा भावे बहुत ही शानदार व्यक्ति थे इनके ज्ञान का कोई तोड़ नहीं था बड़े शांत प्रकृति के आदमी थे और इन्होंने क्या है लोगों को समझाया जमींदारों को समझाया तो उन्होंने अपनी कुछ ज़मीन है वो लैंडलेस लोगों को दी थी उससे पहले जो 80 एकड़ जमीन है वो गांव के 80 जो लैंडलेस लोग हैं उनको दी गई थी तो ये जो भूदान ग्रामदान मोमेंट्स है देखो भूदान कब बोला गया जब 80 एकड़ सरकारी जमीन जो है 80 एकड़ सरकारी जमीन है वो 80 लैंडलेस लोगों को दी गई लेकिन ग्राम दान क्यों बोला गया क्योंकि गांव के जो मालिक लोग थे जो मतलब क्या थे जम जमींदार लोग थे या जिनके पास बहुत पैसा था उन लोगों ने भी अपनी कुछ जमीन है वो लैंडलॉस लोगों को दी तो इसका नाम रख दिया गया भूदान ग्रामदान रख दिया गया और ये कब था मूवमेंट 1951 के अंदर था इसमें किसी तरह का कोई रोड़ा रापा नहीं हुआ इसलिए इसको ब्लडलेस रिवोल्यूशन कहा जाता है और विनोबा भावे को तो नेशनल टीचर के नाम से भी यानी राष्ट्रीय गुरु के नाम से भी जाना जाता है विनोबा भावी को तो राष्ट्रीय गुरु के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें विनायक नरहारी के नाम से भी जाना जाता है विनायक नरहारी के रूप में भी जाना जाता है ये एक जनरली क्या है इनके नाम के आगे आचार्य शब्द लगता है और ये नेशनल टीचर के रूप में जाने जाते थे ये नेशनल टीचर के रूप में जाने जाते थे ठीक है अब बताओ ये भूदान ग्रामदान ये कहां पर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था भूदान ग्रामदान मूवमेंट कहां पर चालू हुआ था सच ग्रेट पर्सन वास्तव में ही ग्रेट पर्सन थे नॉलेज के भंडार थे ये जो आंदोलन था ये कहां से स्टार्ट हुआ था किस जगह पे हुआ था उत्तराखंड में नहीं हुआ भाई बताइए पीछे जब आपको कुछ क्विज के अंदर एक्सटेंशन प्रोग्राम करवाए हैं उनके अंदर बताया हुआ है जितने लोगों ने आंसर दिया है उतना गलत और ये कल पता करके आना कहां से मेरा पहले बताया हुआ है एक्सटेंशन मोमेंट्स के अंदर एक्सटेंशन मोमेंट्स के अंदर बताया आप लोग याद नहीं करते तो उसका तो क्या इलाज है विच प्लांट इज कॉल्ड नाइन ओ क्लॉक प्लांट किस पौधे को नौ बजे का पौधा कहा जाता है बटरफ्लाई फ्लावर रोज और पेंसी बताइए किसे नाइन ओ क्लॉक के नाम से जानते हैं कौन से प्लांट को नाइन ओ क्लॉक के नाम से फोटो से अगर पहचानते हो तो फोटो तो दिखाई दिए पोर्चुलिका को जानते जानते हैं को जानते हैं को तो राइट क्या है? फ्लावर और फ्लावर दोनों में ही किया जाता है यूरोपियन है वो क्वीन ऑफ फ्लावर के रूप में कंसिडर्ड करते हैं अमेरिकन है वो किंग ऑफ फ्लावर के रूप में कंसिडर्ड करते हैं और हमारा कोई पता नहीं है कुछ किंग लिख देते हैं और कुछ क्वीन लिख देते हैं ठीक है पोर्चुलिका पूरा नाम है पोर्चुलिका ग्रांडी फ्लोरा फैमिली से बिलोंग करता है और इसे आप नाइनो बोलते हैं बटरफ्लाई फ्लावर जिसको आप जनरली पुअर मेन ऑर्किड के नाम से जानते हैं ऑर्किड जैसा दिखता है ना इसलिए पुअर मेन ऑर्किड के नाम से जानते हैं इसका नाम होता है और ये सोलेनेसी से बिलोंग करता है नेक्स्ट है पेंसी वो तो आपने देखा होगा बहुत खूबसूरत फ्लावर होता है जिसे किंग ऑफ एनुअल फ्लावर्स को भी बोला जाता एक है एक वर्षीय पुष्पीय पौधों का राजा भी बोला जाता है किंग ऑफ एनुअल फ्लावर्स के नाम से भी इसे भी पेंसी को वियोला विट्रो किना फैमिली का है किंग ऑफ एनुअल फ्लावर के रूप में भी पेंसी को, को जाना जाता है किंग ऑफ एनुअल फ्लावर के रूप में भी इसको जाना जाता है बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है फादर और प्लांट फिजियोलॉजी पादप की के जनक है मैंने कहा था ना प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं एफ वालों को भी बहम था उसमें भी आने लग गया ना फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी पादप कार्य की के जनक किसे कहा जाता है पादप कार्य की के जनक किसे कहा जाता है पादप कार्यकी के जनक किसे कहा जाता है बताइए भी पादप कार्यकी के पिता किसे कहा जाता है ए ऑप्शन है स्टीफन हेल्स बी ऑप्शन है ब्लैकमैन सी ऑप्शन है जेसी बोस और डी ऑप्शन है डी डोवे डी डोवे है इन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी किसकी खोज की थी लाइसोसोम जेसी बोस है इनको फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है यानी भारतीय पादप कार्यकी के जनक बोला जाता है जेसी बोस को इन्होंने असेंट ऑफ सेप पे भी काम किया था कुछ पादप मूवमेंट्स पे काम किया था पादप मूवमेंट्स के बारे में इन्होंने इंडियन टेलीग्राम जो प्लांट है उस पर काम करते हुए बताया था ठीक है भारतीय पादप कार्यकी के जनक जेसी बोस को कहते हैं ब्लैकमेन ने सीमाकारी प्रभाव दिया था है ना फैक्टर ऑफ लिमिटिंग फैक्टर प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया था सीमाकारी आ, प्रभाव का सिद्धांत दिया था ये इनका जो आ, आ, जो लिमिटिंग फैक्टर था प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर की तरह ही होता है, है प्रकाश संश्लेषण है ना इसको प्रभावित करने वाले जितने भी कारक है उनमें से जो कारक सबसे कम मात्रा के अंदर है वो ही प्रकाश संश्लेषण को ज्यादा प्रभावित कर रहा है जो सबसे कम मात्रा में अगर आप उसको बढ़ाओगे तो प्रकाश संश्लेषण अच्छा बढ़ेगा अगर आप किसी दूसरे को बढ़ाने की कोशिश करें तो प्रकाश संश्लेषण पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा इसे ही सीमाकारी प्रभाव बोलते हैं यह ब्लैकमैन ने दिया था और फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी आप किसे बोलते हैं हेल्स को बोलते हैं फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसे बोला जाता है स्टीफन हेल्स को बोला जाता है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स को और लिमिटिंग फैक्टर का जो प्रिंसिपल दिया था वो किसने दिया था ब्लैकमैन ने दिया था ऑफ मिनिमम की तरह ही काम करता है नेक्स्ट अपने बात करें अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए फाइंड द करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आपको फाइंड करना है सबसे पहला ऑप्शन है सी आई एच कहां पर है दूसरा सी आई टी एच कहां पर है? तीसरा सी आई एस टी एच कहां पर है और चौथा ऑप्शन है सी आई एच कहां पर लखनऊ यूपी आ, मेदीजी फीमा नागालैंड बीकानेर राजस्थान और श्रीनगर जम्मू कश्मीर बताइए इज के आधार पर कौन सी मैचिंग है वो आपको ठीक लग रही है बताइए बहुत सारों का गलत भी है थोड़े जल्दबाजी में उनको कहीं जाना भी है और कुछ का ठीक भी है चलिए मैं बताता हूं सी आई एच सेंट्रल इंस्टीट्यूट या क्या होता है सी आई एच फुल फॉर्म पहले तो आप एच की फुल फॉर्म बताइए सी आई एच की फुल फॉर्म बता दीजिए मैं मान जाऊंगा कि आप इंस्टीट्यूट भी पढ़ते हैं इंटरनेशनल सेंट्रल फॉर हॉर्टीकल्चर है बॉय यार क्या बना दी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर है ये ये अभी नया ही बना हुआ है दो हजार के अंदर ठीक है और ये कहां पर है ये मोदी जिफेमा नागालैंड के अंदर है तो पहले का कौन सा होगा बी होगा दूसरा सी आई टी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर ये कहां पे है श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर है तो दूसरे की हम बात करें तो दूसरे का डी है तीसरा सी आई एस टी एच जिसको आप सी आई एस एच भी बोलते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर या फिर आप सी भी बोल देते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर ये कहां पर है ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर है इसका ए राइट right है सी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर है ये कहां पर है ये बीकानेर राजस्थान के अंदर है चौथे का सी है तो राइट देखो क्या है पहले का बी दूसरे का डी तीसरे का सी तीसरे का ए आ रहा है ना ऐसा कोई है क्या ऑप्शन पहले का बी दूसरे का मेरे को लगता है कोई ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा है पहले का बी दूसरे का डी तीसरे का ए, ना कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा मेरे को लगता है कोई ऑप्शन है वो मैच नहीं हो रहा है तो ये देख लीजिए पहले का क्या है बी दोबारा बता देता हूं मैं आपको सी जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर दो हजार में बना था मेदीची फीमा नागालैंड के अंदर है पहले का बी आएगा सी आई टी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर का है दूसरे का डी आएगा तीसरे का सी आई एस एच सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ उत्तर प्रदेश में है चौथा सी आई ए एच है वो कहां पर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर बीकानेर के अंदर है तो ये है वो ठीक रहेगा है ना ये जो है ना ये ठीक रहेगा ऑप्शन ठीक नहीं है किसी तरह के ऑप्शन है ऑप्शन में गड़बड़ हो गई है ना चलिए ये सही है आप लोगों का अच्छा ऑप्शन ए में दो बार सी दिया हुआ है ना यहाँ डी देना था भाई यहाँ क्या देना था डी देना था तब जाके अपना क्या है सही बैठ जाता बिल्कुल सही पकड़े हैं चलिए सही पकड़े हैं तो आगे चलते हैं अब अपने ये नोट कर लेना चलो क्वेश्चन तो आप क्या आपके पास आ गया और बहुत सारे स्टूडेंट को सी का नहीं पता है क्योंकि कोई भी फुल फॉर्म तो बता ही नहीं सका था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्टिकल्चर अब देखिए CIATH जो है वो 2006 में बना था ये तो मैंने बता ही दिया उसके अलावा CIATH की बात करें तो ये 1994 में बना था 90 94 के अंदर बना था देखो CIH और CISATCH की लंबी कहानी है लेकिन CIH की लंबी कहानी आज बात नहीं करेंगे नहीं तो बहुत लंबा मामला चला जाएगा CIH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिडोटिकलचर जो बीकानेर राजस्थान के अंदर है जिसमें आप फ्रूट की और वेजिटेबल की थार करके वेरायटियां पढ़ते हो वो ज्यादातर सी आई एच से ही रिलीज होती है थार करके जितनी भी वेरायटियां पढ़ते हो वो सी आई एच से ही रिलीज होती है ना ये दो हजार में इसकी भी लंबी स्टोरी है लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं सी आई एस एच मेनली तो आप इसको सी आई एस एच बोलते हैं लेकिन सी आई एस टी एच भी बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ये जो है ये स्टार्ट हुआ था सबसे पहले सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन के रूप में सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन के रूप में 1972 में 4 सितंबर 1972 को स्टार्ट हुआ था और ये किसके अंडर में आता था आईआईएचआर के अंडर में आता था आईआईएचआर बेंगलोर के अंडर में आता था जब ये सबसे पहली बार बना था तो सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन के रूप में चलता था और आईआईएचआर के अंडर में आता था फिर क्या है इसको अपग्रेड किया गया ठीक है और सीधा आईसीआर के अंडर में किया गया तब इसका नाम रखा गया सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉर नॉर्थ प्लेन सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हॉर्टिकल्चर फॉर नॉर्थ प्लेन सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर फॉर नॉर्थ प्लेन CIHNP बना था एक जून उन्नीस को और ये आईसीआर के अंडर में बना था ठीक है अब IIHR का इससे कोई संबंध नहीं था उसके बाद इसका रीनेम जो हुआ था वो कब हुआ था वो हुआ था चौदह जून उन्नीस सौ को 14 जून उन्नीस सौ को सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रीनेम हुआ था अब आपसे पूछ ले कि सी आई एस एच बना कब था तो आप ईयर कौन सा बताएंगे सी आई एस एच बना कब था तब आप क्या बताएंगे बताइए आपसे पूछ ले सीआईएसएच बना कब था ईयर कौन सा बताएं कई सारे ईयर आ गए ना यहां पे तो ये अपने आप में फुल प्लेस जो इंस्टीट्यूट बना था उन्नीस नहीं बताओगे तब ये आई आई, आई के अंडर में था फुल प्लेस इंस्टीट्यूट बना था एक जून उन्नीस तो आप इसे एक जून उन्नीस का बताओगे ये तो रीनेम हुआ है इसका कब जून उन्नीस में, में. चौदह जून उन्नीस सौ पिचानवे में तो इसका रीनेम है वो हुआ है ठीक है क्लियर है बड़े नेक्स्ट अपने TCS is related इज रिलेटेड टू टीसीएस संबंधित है टीसीएस किससे संबंधित है भाई TCS किससे संबंधित है बताइए TCS किससे संबंधित है किससे संबंधित है बिल्कुल सी आई एस सच उन्नीस सौ चौरासी बताओगे इस बात में कोई डाउट नहीं है लेकिन आप बताइए है वो किससे संबंधित फुल फॉर्म पता होगी तो बताओगे ट्रू कसावा सीड जैसे ट्रू पोटेटो सीड है वैसे ट्रू कसावा सीड ट्रू पोटेटो सीड किसने दिया था रामानुजन ने दिया था ट्रू कसावा सीड किसने दिया था सेंट्रल ट्यूबर एंड सेंट्रल सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है अभी जैसा आप ट्रू पोटेटो सीड पढ़ते हैं वैसा ही जनरली क्या है ट्र्यू कसावा सीड है तो ये तो समझ में आ गया होगा कि किससे कि संबंधित है कसावा से संबंधित है है ना और यह कहां से दिया गया था ट्रू कसावा सीड बताओ सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है भाई सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है ये सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर लोकेटेड है सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है नहीं पता केरला केरला में कौन सी जगह है केरला में कौन सी जगह है ये केरला में कौन सी जगह बताइए राजस्थान में शाबाश सुचित कुमार केसरा गोड केरला में है बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है ये ठीक है सेंट्रल ट्यूबर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट केसरागोड केरला द्वारा ट्रू कसावा सीड दिया गया था तो ट्रू कसावा सीड है वो किससे संबंधित है कसावा से संबंधित है कसावा को हम क्या बोल देते हैं टेपोई का भी बोल देते हैं सागो जो होता है ना जिसको आप साबुदाना बोलते हैं वो किससे बनता है कसावा से बनता है किससे बनता है कसावा से ठीक है तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन है वो कल डिस्कस करेंगे चलिए थैंक यू गुड नाइट मिलते हैं कल नाइन फिफ्टीन पर बिल्कुल केरला में बहुत होता है ओके गुड नाइट मिलेंगे कल सुबह नौ बजे